हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट सॉल्यूशन एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में टीजीटी साइंस के लिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लेंस फॉर्मूले के कॉन्सेप्ट और मैग्नीफिकेशन के कॉन्सेप्ट के कुछ न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस देखेंगे जो एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं। तो देखते हैं, सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास सीरीज से, स्पेरिकल मिरर एन स्पेरिकल लेंस। ऐसा कौन सा स्पेरिकल मिरर और स्पेरिकल लेंस होगा, हैव ए फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कितनी है, माइनस का 15 सेंटीमीटर, ठीक है। द मिरर एंड द लेंस आर लाइकली टू बी, दोनों चीजें क्या होंगी, मैं आपको ऐसी नॉर्मली बताता हूं। फोकल लेंथ माइनस में किसकी आती है, कॉनकेव मिरर की, माइनस में 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और कॉनकेव का उल्टा होगा यहां पे कॉन्वेक्स लेंस की, वो भी माइनस में होती है, दोनों नेगेटिव होती है, ठीक है। ऐसे कुछ दिया हुआ ऐसे उन्होंने, तो सॉरी यहां पर कॉन्वेक्स में तो पॉजिटिव होती है ना, तो ये तो हमारे पास हो जाएगा कॉनकेव दोनों चीजों में, क्योंकि ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होते हैं ना साइन कन्वेंशन, तो इधर बनते हैं हमारे पास, इधर आती है, और एक्स की नेगेटिव एक्सिस होता है इसलिए इधर आते हैं। सो ये हमारे पास कैसे होता है, कॉनकेव की, और कॉन्वेक्स की पॉजिटिव होती है फोकल लेंथ। तो यहां पर क्या ऐसे ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन देखेंगे पहले, बहुत कॉनकेव इसका आंसर है, दोनों कॉनकेव की मिरर और लेंसेज की पॉजिटिव वो नेगेटिव होती है, और बहुत कॉन्वेक्स की होती है, एक मिरर मिरर इज कॉनकेव बट लेंस इज कॉन्वेक्स, डी ऑप्शन मिरर इज कॉन्वेक्स बस लेंस इज कॉनकेव। तो इसको ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कॉनकेव मिरर और कॉनकेव लेंस दोनों की ही नेगेटिव फोकल लेंस होती है, इसी ध्यान रखना साइन कन्वेंशन की हेल्प से। सेम यही बात अगर मैं मैग्नीफिकेशन में बात करूं कि मैग्नीफिकेशन में हमारे पास कैसे कैसे चेंजेस होते हैं, वन आएगा तो क्या होगा, माइनस वन आएगा तो क्या होगा, ग्रेटर देन वन आएगा तो क्या होगा। तो फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड रीड करते हैं अच्छे से, क्या दिया हुआ है, लीनियर मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस बाय कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस अगर लीनियर मैग्नीफिकेशन को प्रोड्यूस करता है तो उसकी मैग्नीफिकेशन कितनी होती है। पहला ऑप्शन लेस देन वन या मोर देन वन होती है, बिल्कुल नहीं। सेकंड ऑप्शन देखते हैं हमारे पास, लेस देन वन और इक्वल टू वन होती है, ये भी नहीं है। मोर देन वन इक्वल टू वन होती है, नहीं है ये भी। लेस देन वन, इक्वल टू वन, मोर देन वन, तीनों हो सकती है, ये ध्यान रखना, इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। काफी बार ऐसे क्वेश्चन रिपीट हुआ एग्जाम में इसीलिए। अब देखते हैं सीरीज का क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला गया था मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस बाय कॉनकेव लेंस इज ऑलवेज, वो कॉन्वेक्स की थी तो तीनों होती हैं, लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल। ये कॉनकेव लेंस की बात करें तो हमेशा ध्यान रखना कॉनकेव में लेस देन वन आएगा, लेस देन वन, ठीक है। मैं लिख देता हूं लेस देन वन, किसमें, कॉनकेव लेंस में, कॉन्वेक्स होता तो तीनों आती। सीरीज का क्वेश्चन नंबर फोर देखेंगे अब, क्वेश्चन नंबर फोर हमारे पास क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर फोर में इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ मैग्नीफिकेशन ऑफ माइनस थ्री, और मैग्नीफिकेशन कितनी है, माइनस थ्री, ठीक है। अच्छे से देखते हैं दोनों की हो सकती है, द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस, ऑब्जेक्ट को कहां रखा जाएगा, ये कॉन्वेक्स लेंसेज की है, कॉन्वेक्स लेंस की है, माइनस में होगी तो हमारे पास कहां रखा जाएगा, मैं आपको बता दूं, ये मेरे पास पोल, ये फोकस, ये 2F, तो इनकी मिड में रखी जाएगी कहीं पर भी, जिसकी मैग्नीफिकेशन माइनस थ्री आएगी। यहां पर आती तो वन, यहां पर आती तो माइनस में वन, ये प्लस में हो जाती, ये माइनस में हो गई, तो यहां पर माइनस थ्री, तो बिटवीन एफ एंड टू एफ का ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी देखो, एफ एंड टू एफ के मिड में आएगा, ठीक है, यहां पर जब मैग्नीफिकेशन माइनस में होगी। तो आप देखते हैं सीरीज का क्वेश्चन नंबर फोर क्या है, सीरीज का क्वेश्चन नंबर फाइव में हमें क्या दिया हुआ है, फोर भी था सेम इसी की तरह फाइव है, ए कॉन्वेक्स लेंस प्रोड्यूस अ मैग्नीफिकेशन ऑफ प्लस फाइव, अभी हमारे पास माइनस में आई थी, ये प्लस फाइव में, ये पोल, ये एफ, ये टू एफ, अभी बताया नेगेटिव होगी तो यहां पर, पॉजिटिव होगी तो यहां पर लेस देन एफ, यहां पर पॉजिटिव, लेस देन एफ, ऐसा कोई ऑप्शन है, एफ से छोटे पर रखना है, पोल के मिड में रखना है। ये देखो फिफ्थ में ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर सी, एट लेस देन एफ, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, प्लस में मैग्नीफिकेशन आएगा तो यहां पर पुट करेंगे और नेगेटिव आएगा तो यहां पर। अब देखते हैं अपनी सीरीज का क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है, क्वेश्चन नंबर सिक्स भी मैग्नीफिकेशन से रिलेटेड है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर सिक्स में, क्वेश्चन नंबर सिक्स में हमें गिवन है, इफ ए मैग्नीफिकेशन ऑफ माइनस वन, मैग्नीफिकेशन कितनी है, माइनस वन, ठीक है, किसकी है, इज ऑब्टेन बाय यूजिंग अ कन्वर्जिंग लेंस, मतलब हमारे पास कॉन्वेक्स ही हो गया, देन द ऑब्जेक्ट हैज टू बी प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट को कहां रखा जाएगा, अभी तो बताया माइनस वन बिल्कुल माइनस वन है ना, ये पोल, ये एफ, ये टू एफ, माइनस वन यहां पर आते तो एग्जैक्ट माइनस वन आएगी तो एग्जैक्ट यहां रखी जाएगी, ध्यान रखना है, एट टू एफ पर, एट टू एफ, एट टू एफ ऐसा ऑप्शन है, यस ऑप्शन नंबर बी देखो, एट टू एफ हमारे पास बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अब देखते हैं अपनी सीरीज का क्वेश्चन नंबर सेवन क्या है, टू ऑप्टेन अ मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन को ऑप्टेन करने के लिए क्या ऑप्टेन करनी है हमें, माइनस में 0.5, ठीक है, विद ए कॉन्वेक्स लेंस, द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट को कहां रखा जाएगा, माइनस में है ना, तो वही बियॉन्ड 2f, कहां पर, बियॉन्ड, अभी बताया ना बिल्कुल सभी केसेस वही आ रहे हैं,
बियॉन्ड 2f, 2f से पीछे रखेंगे हमारे पास नेगेटिव वाले आएंगे, माइनस में 1.5 0.5, उससे भी छोटे आते रहेंगे। तो ये हमारे पास ऑप्शन है बियॉन्ड 2f का, यस ऑप्शन नंबर डी देखो क्वेश्चन नंबर 7 का बिल्कुल करेक्ट है। अब देखेंगे सीरीज का क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 8 क्या है, क्वेश्चन में 8 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन 8 में गिवन है एन ऑब्जेक्ट इज 0.09 मीटर फ्रॉम अ मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है 0.09, उसके बाद क्या गिवन है मीटर में ना, ठीक है मैग्नीफाइंग लेंस एंड द इमेज इज फॉर्म 36 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, इमेज कहां बनती है 36 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, ठीक है द मैग्नीफाइंग मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस, मैग्निफिकेशन कितनी होने वाली है तो सॉल्व कर लेंगे, एम इक्वल में वी अपॉन यू, यानी कि 36 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे, अभी चेंज कर देते हैं, ये हमारे पास किसमें मीटर में, इसे ही कर लेते ना चेंज, पॉइंट हटाएंगे दोनों जीरो, सेंटीमीटर को मीटर को सेंटीमीटर में 100 से मल्टीप्लाई, ये कैंसिल, 9 4 4 आएगी मैग्निफिकेशन, ये तो इजी है, इसको कोई ऐसा कोई ऑप्शन है, यस देखो सी ऑप्शन देखो 4.0 मैग्निफिकेशन कितनी आएगी 4 आएगी, क्लियर ना। अब देखते हैं अपनी सीरीज का क्वेश्चन नंबर 9, हमारे पास 9 में क्या गिवन है, 9 क्वेश्चन हमारे पास गिवन है टू ऑप्टेन अ मैग्निफिकेशन -2, मैग्निफिकेशन -2 चाहिए मुझे विद अ कॉन्वेक्स लेंस और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, क्या दिया हुआ है हमारे पास यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है, तो इसकी हमारे पास पॉजिटिव होती है कॉन्वेक्स लेंस की, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाएगा, ये कितना 10, मैग्निफिकेशन डबल है तो 10 और 20 है, 10 to 20 इसके मिड में, यानी कैसे कोई ऑप्शन है, ये देखो बिटवीन 10 and 20 डायरेक्टली कर सकते हैं, न्यूमेरिकल करने की नीड नहीं है, मैग्निफिकेशन दी हुई है, फोकल लेंथ देखेंगे डबल है ना, तो इसके डबल के 3 होती है तो 10 और 30 के मिड में, तो इसका ऑप्शन हमारे पास आएगा ऑप्शन नंबर बी, चाहो तो न्यूमेरिकल सॉल्व करके देख सकते हो आप, फॉर्मूला याद है ना, लेंस फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। सीरीज का अपना लास्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारे पास, 10 क्वेश्चन में क्या गिवन है, इतनी जल्दी से आपको 10 क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएंगे, रिवाइज भी हो जाएगा। अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, ठीक है ऑफ मैग्निफिकेशन +4, मैग्निफिकेशन +4 गिवन है, ठीक है द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट को कहां रखा जाएगा, अगर वो पूछता दोनों की अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में जैसे पूछा था द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड कहां रखा जाएगा 10 और 20 के मिड में आगे तो फोकल लेंथ है, अब हमारे पास मैग्निफिकेशन 4 दी है ना तो कहां पर आएगा, ये हमारे पास मैग्निफिकेशन 4 दी, ऑप्शंस क्या गए 15, सॉल्व करके देख लेते हैं, वैसे भी ऐसे सॉल्व करके भी देख लेंगे ऐसे ही बता देते हैं, हमारे पास 15 से लेस आने चाहिए, 15 वाले ऑप्शन 3 है ना, सॉल्व कर लेते हैं, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है v अपॉन u, तो मेरे पास v कितना आया 4u, लेंस फॉर्मूला याद है आपको 1/f = 1/v - 1/u, f मुझे 15 दिया है, ठीक है v मुझे 4u आया, ये 1/u, LCM लिया 4u 1 - 4 माइनस का 3/4u, ये 15 सेम क्रॉस मल्टीप्लाई तो u इक्वल में 45/4 कितना आएगा अप्रोक्स 11 point something आएगा, तो ऐसे कोई ऑप्शन हमारे पास, यस देखो एट अ डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर नहीं 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पाई नहीं रहा है बिटवीन 50 and 30, 50 से छोटा आ रहा है 50 से लेस, सी देखो ऑप्शन नंबर सी देखो लेस देन 15 सेंटीमीटर, क्लियर ना, वैसे भी नॉर्मल भी कर सकते हैं कैसे भी कर सकते हैं, इजी कॉन्सेप्ट है, ज्यादा हार्ड नहीं है, 10th का कॉन्सेप्ट है इसलिए। आई होप सो टॉप 10 क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए, वीडियो सीरीज आपको पसंद आए, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अगर आप चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें, लेटेस्ट नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए, तब तक के लिए थैंक्स एंड बाय।